बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद यूसुफ शेख यूसी 34 के चेयरमैन आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमारे को टाइम दिया और हमारी यूसी के अंदर आए, क्योंकि यूसी के अंदर हम काम करा रहे हैं। जो हमारे बस में था वो हमने कराया और करा रहे हैं। सबसे मसला यहाँ पर सफाई का है, उसके अंदर जो है ना बल्लिया की तरफ से हमारे को मुख्तसर जो है हमारे को स्लीपर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी हम प्राइवेट लोगों को ला के करा रहे हैं। और मेरा ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी PSP से है। मैं PSP सीनियर सिटीजन कमेटी का सदर भी हूँ, हैदराबाद का डिवीज़न सदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी यूसी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं कोरोना के हवाले से, उनको मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ कि वो अपने अपने घरों में रहें, फालतू घर से बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें मास्क पहने, और मास्क के अलावा जो है घर में आए जाएँ तो उसमें साबुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाथ जब भी घर में आए हाथ धोएं, बाहर जाएं जब भी हाथ धोएं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और हैदराबाद में, मैं हैदराबाद के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला हैदराबाद में वापडा का है, जो लोड शेडिंग अभी भी आप बैठे हैं, आज सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई और तकरीबन अभी दिन का 1 बज रहा है, तो लाइट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उसके बाद ये HDA का मसला है, पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है फीसों के लिए पाबंद करा जा रहा है, लेकिन वो लोग बेचारे जिनके माँ बाप हैं परेशान हैं बहुत, उनकी फीस वगैरह माफ़ की जाए। और मैं हैदराबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि कोरोना के हवाले से हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है उस पर अमल करें। और मैं हैदराबाद न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे को टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे लोगों का काम करने की, और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को बल्दिया की तरफ से आज तक किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है, ना मेयर की तरफ से, ना बल्दिया का कोई भी अमला, कोई भी स्टाफ, कोई भी महकमा जो है हमसे किसी किस्म का ताउन नहीं करता। हमारी यूसी में इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है, हमारी यूसी के अंदर भैंसों के बाड़ों का मसला है बहुत, और नालों का मसला है, लेकिन बल्दिया की तरफ से हमें कोई भी ताउन नहीं है। यहाँ तक कि आज तक हमें एक लाइट जिसे बोलते हैं बल्दिया की तरफ से वो नहीं दी गई है। जब भी दरख्वास्त देते हैं उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। मेरे हिसाब से कम से कम मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन दिए मेयर हैदराबाद को, लेकिन मेयर हैदराबाद के कान पर जूँ तक नहीं मरती। तो मैं अपील करता हूँ कमिश्नर हैदराबाद और लोकल गवर्नमेंट से कि हमारी उसी में तवज्जो दी है। भाई तकरीबन हमने जो है ना 40 से 50% हमने काम कराया, क्योंकि हमारे को जो फंड तो हमारे को आ ही नहीं रहा ना कहीं से। हमारा यूसी का जो आता है उसमें से हमने तकरीबन कच्ची आबादी की गलियां कुछ किरा और ऊपर के इलाके के जो है किराज बनाए, और छोटा मोटा काम है नालियाँ बनाई हैं, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे इसमें, क्यों MNA फंड से हमारी यूसी में कुछ भी काम नहीं हुआ है, नज़रअंदाज किया गया। ट्रांसफार्म यहाँ पर हमें 3 से 4 ट्रांसफार्म चाहिए, लेकिन उसके हवाले से भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि ये काम MPA MNA का है, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। कोई भी ना MNA ना MPA कोई भी आके यहाँ पर तवज्जो नहीं देता, और ये जो भी हम करते हैं अपनी मदद आप करते हैं, ट्रांसफार्म ख़राब हो जाता है तो उसमें हम अपने पास से पैसे दे के कुछ इलाके के लोगों से जमा करके इसको कराते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वापडा के हवाले से हीराबाद के अंदर।